उम्मीद करते हैं आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बिहार जो है दोहरी मार बाढ़ को लेकर के और कोरोना को लेकर के झेल रहा है, तबाही है चारों ओर। लोग जो हैं त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और हमारी राज्य की सरकार नीतीश कुमार जी 130 दिन से भी ज़्यादा हो गया वो सोए हुए हैं, और आप लोगों के बीच मैं फेसबुक लाइव माध्यम से हमेशा जुड़ा रहा हूँ और आज भी आप लोगों के बीच अपनी बातों को कहने आया हूँ। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस जो हैं बिहार के अस्पताल को लेकर के, मरीजों को लेकर के, जो उनके परिजन जो हैं, आम नागरिक जो हैं वो बनाने का काम कर रहे हैं। बिहार की स्थिति वाकई में नाजुक है। सरकार को लगातार हम लोगों ने सचेत करते रहे हैं, सलाह देते रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे गौर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ये स्पष्ट है। सरकार के लोग, जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग वर्चुअल रैली करते हैं, लेकिन लोगों की जान की चिंता नहीं है, बाढ़ की चिंता नहीं है। कोरोना पॉजिटिव जो लोग हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, लाशों का ढेर लगा है, उसकी चिंता नहीं है। और सरकार जो है, कहीं भी सरकार के लोग कोई देखने वाला नहीं जा रहा, ना सुनने जा रहा है। मतलब जनता जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। आखिरी जो है कहेंगे, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि बार बार बिहार सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो आपको टेस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और जब तक आप बीमारी को ट्रेस नहीं करिएगा तब तक जो है आप कोरोना महामारी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। बिहार में पटना में लॉकडाउन है, फिर क्या होगा ये सरकार पे निर्भर करता है कि आगे लॉकडाउन कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ आंकड़े आपके पास रखना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि बिहार की आबादी लगभग 12 से 13 करोड़ है, और अब तक जो टेस्ट हुई हैं पूरी बिहार के पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, केवल 0.35% ही टेस्ट हो पाया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, 0.35% ही टेस्ट हो पाया है पूरे बिहार की आबादी का अगर लिया जाए तो। और प्रति 10 लाख आबादी के हिसाब से, प्रति 10 लाख अगर हम लोग लेकर के चलें, यानी 10 लाख लोगों में से केवल 3508 लोगों का ही जांच हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। बद इंतजामी है, डॉक्टर को पीपी किट्स नहीं उपलब्ध हो रहा। डॉक्टर जो हैं, आज पटना के ही जो सिविल सर्जन हैं उनको भी पॉजिटिव हो गया, वो होम आइसोलेशन में भी हैं। समस्तीपुर में भी हम लोगों ने देखा, मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की मौत भी हुई, 40 संख्या में डॉक्टर जो हैं वो संक्रमित पाए गए। कई अधिकारी, मंत्री, एमएलए, पूछना ही नहीं है, मतलब कि सब कोई जो है कोरोना के चपेट में है। अब दिलचस्प बात बताएंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार का नीतीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और बार बार आईना बदल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और वो बार बार जो है आईना बदल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि नीतीश कुमार जी के वजह से पूरी तरीके से बिहार में मिसमैनेजमेंट हुआ। आज जो स्थिति पैदा हुई है, जिस सिचुएशन में बिहार है, इसको नीतीश कुमार जी ने बद से बदतर बना दिया। और बिहार ऐसा पहला राज्य है देश का जहां इस विपरीत के घड़ी में, विपरीत स्थिति में, विपदा के घड़ी में नीतीश कुमार जी ने तीसरा प्रधान सचिव जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का वो बदला। इसलिए हम कह रहे हैं चेहरा उनके धूल जो है उनके चेहरे पे लगा है और वो बार बार जो है आईना बदल रहे हैं। अब हालांकि वो जाने,
इस पे ज़्यादा कुछ हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, उनका अधिकार है बदलना, लेकिन जो जब कोरोना की जब लड़ाई में बार बार कप्तान बदलते रहें तो क्या स्थिति बन जाएगी। मंगल पांडे ऐसे मंत्री हैं जो टिकटॉक देखते रहते हैं बैठकों में। जब चमकी बुखार आई तो आपने भी देखा होगा कि वो क्रिकेट का स्कोर पूछते रहते हैं, कोई गंभीर नहीं है। बताइए, चार महीने से एक बार केवल NMCH हो गए, वो भी विपक्ष और हम लोग लगातार उन पर दबाव डालते रहे सरकार के लोग, तब वो चार महीने में एक बार जाते हैं। तो वाकई में स्थिति बेहद नाजुक है। नीतीश कुमार जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो जो है चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लोगों की जान की चिंता नहीं कर रहे। अब हमारे पास आपको याद होगा आप सभी लोगों को कि सेंट्रल से केंद्र सरकार से 3 सदस्य कमेटी आई थी और उस कमेटी का रिपोर्ट क्या है। मेरे ख्याल से आप सब लोग जो हैं वो जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट क्या है। तो एक अंग्रेजी अखबार है जो बहुत ही बड़ा अखबार है, उसने अपने अखबार में छापा कि सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट क्या है। मैं चाहूँगा आप लोगों से हम बताएं कि क्या स्थिति है। मेंबर्स वे अगस्त एट व्हाट दे सॉ इन पटना एज दे विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ COVID-19 पेशेंट लाइंग अनअटेंडेंट ऑन बेड्स एंड इन कॉरिडोर। जब वो कमेटी के लोग आए तो डेड बॉडीज जो हैं COVID-19 के, वो अनअटेंडेड मतलब कि कॉरिडोर में, वरंडाओं में उनकी लाश पड़ी हैं, बेड्स पे जो हैं लाश पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं रहा, और पेशेंट्स के जितने भी अटेंडेंट थे वो बेचैनी में अंदर बाहर कर रहे थे। द डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग नियर द COVID-19 पेशेंट एज द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन एंड द डॉक्टर्स फेयर दैट इफ दे गेट इन्फेक्टेड नो वन विल टेक केयर ऑफ देम। यानी इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर्स को डर लग रहा है कि पेशेंट के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि सरकार जो है उनको PPE किट्स जो है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो उनको डर है कि भाई वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, उनको ये बीमारी ना फैल जाए, इसलिए वो मरीजों के पास नहीं जा रहे हैं। उनको ये संदेह है अगर वो जाएंगे मरीजों के पास बिना PPE किट्स के तो उनको भी ये बीमारी हो जाएगी और उनका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। ये डॉक्टर की चिंता है, जो वो उस कमेटी की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए, एज पर यूनियन गवर्नमेंट सोर्सेस बिहार गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग COVID-19। यानी बिहार सरकार जो है पैसा ही नहीं खर्च कर रही COVID-19 से लड़ने में। आपको भी पता है इतना पैसा खर्च बोलते हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम जो है वो कॉकस जो है वो कायम हो चुका है, और रिपोर्ट में है कि ज़मीनी स्तर पे कोई पैसा ही नहीं खर्च की जा रही है। तो मेरा सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर। दूसरी चौथी पॉइंट पे अगर आप जाएं, देर आर नॉट परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स। यानी बिहार सरकार खरीद ही नहीं रही है रैपिड एंटीजन किट्स, होता है जिससे जांच कराई जाए, वो किट्स ही नहीं खरीद रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कमिटी का रिपोर्ट कह रहा है। अगर आप देखें कि रिक्वायरमेंट जो है बिहार का वो 4 लाख है और बिहार सरकार खरीद नहीं रही है। अब पांचवें पॉइंट पर आए तो इसमें ये रिपोर्ट में, हाउ कैन दे डू मास टेस्टिंग व्हेन दे ओनली हैव 20,000 किट्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ 12 करोड़। यानी इनका कहना है कि इतनी बड़ी मास टेस्टिंग कैसे होगी, जब जब हम लोग बार बार कहते हैं रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए, तो मात्र 12 करोड़ के आबादी में इनके पास 20,000 टेस्टिंग किट्स है, तो मास टेस्टिंग कैसे हो पाएगी। दिस शोज द लैक ऑफ सीरियसनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन हैंडलिंग COVID-19। यानी साफ कमिटी कह रही है सेंट्रल की कि ये लैक ऑफ सीरियसनेस है, यानी गंभीर नहीं है सरकार हैंडलिंग COVID-19 में, मतलब कि स्थिति को हैंडल करने में सरकार गंभीर नहीं है। ये साफ आरोप जो है ये सेंट्रल कमेटी का लगाया जा रहा है। दे आर नाइदर परचेजिंग द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ किट्स नॉर आर दे सीकिंग द सेम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ना वो खरीद रही है ना सरकार से
या किसी और से वो मांग कर किट जो है वो दिलवा दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अस्पताल में देखे होंगे कि डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर जो है पेशेंट के पास नहीं जा रहे हैं, और ये अभी से नहीं, नीति आयोग के रिपोर्ट में साफ तौर पे है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है अस्पताल के मामले में, चिकित्सा के मामले में है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। इसको हमने कई बार जो है बिहार सरकार का आंकड़ा भी निकाला, नीति आयोग का जो रिपोर्ट था वो भी हमने पेश किया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। आज सरकार के जो सेंट्रल की टीम है वो कहती है, कमिटी जो कहती है कि इन सच अ डिफिकल्ट टाइम, इस गंभीर परिस्थिति में, मुश्किल घड़ी में, फाइल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4,000 डॉक्टर्स एंड 6,000 नर्सिंग स्टाफ आर शटिंग बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मंथ्स। यानी साफ साफ सेंट्रल कमेटी का आरोप है नीतीश कुमार जी पर कि 4,000 डॉक्टरों की नियुक्ति की फाइल, 6,000 नर्सिंग स्टाफ की फाइल सेक्रेटरी और मंत्रियों के बीच में ही घूमती जा रही है और नियुक्ति नहीं हो रही, इसके वजह से बिहार जो है सफर कर रहा है, झेल रहा है। तो हम लोग विपक्ष के लोग जितने भी आरोप लगाते रहे, बाकी में आप देख सकते क्या स्थिति बनी है। दूसरी बार बाढ़ को लेकर के अगर हम लोग आए हैं तो बाढ़ नियंत्रण नहीं किया जा रहा, बल्कि ये लोग बिहार सरकार जो है बाढ़ को निमंत्रण दे रहे हैं। पुल पुलिये तटबंध जो हैं, चाहे चंपारण का तटबंध हो या सारण का तटबंध हो या बांध हो, ये पूरी तरीके से जो है टूट रहा है, पुल पुलिये टूट रहे हैं, अप्रोच पुल टूट रहा है। आपको भी पता है गोपालगंज में जो महासेतु थी, पूरा पुल दह गया था, छोटा पुल था, अप्रोच रोड था, सब दह गया, बांध टूट गया, और हम लोग कहते थे इसमें भ्रष्टाचार की वजह से टूटा है, लेकिन सरकार जो है मानती नहीं थी। अब देखिएगा, बीजेपी के ही एक विधायक हैं गोपालगंज जिले के ही, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार जी पे, सरकार पे, मंत्री पर, सिंचाई मंत्री पर आरोप लगाया कि ये जनता दल यूनाइटेड के लोग जो है भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल पुलिया जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब तो देखिएगा कि बाढ़ की जो स्थिति है, ना कोई पूछने वाला है, बद से बदतर हो गया है गोपालगंज की स्थिति। सरकार के लोग जो हैं लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, दवा की व्यवस्था नहीं, पशुओं को चारा देने की व्यवस्था नहीं। मतलब हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तत्कालीन उनके उनके खाते में कम से कम 20,000 रुपया जो है सरकार दे, तुरंत दे, इतना नुकसान हुआ उनके जान का, मान का। और सरकार जो है आंकड़ा बताए कि कितने लोग जो है प्रभावित हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुआ और कितनी जान का नुकसान हुआ, ये सरकार को बताना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी मजबूरी भी है कि कई जगह हम जा नहीं सकते, लॉकडाउन के कारण जो है चीज़ें जो हैं ठीक नहीं रहती, लेकिन हमारा लगातार प्रयास रहा है कि लोगों के बीच जा कर के उनकी जानकारी को हम लोग प्राप्त करें। मैं खुद स्वयं भी मधुबनी दरभंगा के इलाकों में गया था, नाव पे देखा, गांव जो है पूरी डूब चुकी है, बेहद जो है बद से बदतर हो गई है। लोगों को हमने खाने की भी व्यवस्था कराई और पार्टी के लोग बखूबी जो है लालू रसोई भी बना करके जगह जगह जो है लोगों को मदद कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि सरकार जवाब नहीं दे रही। और आपको पता है 3 तारीख से विधानसभा चलने वाला है, एक खबर आपको हम देना चाहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है इस सत्र में लोग जो हैं, मान्य सदस्य जो हैं, बाढ़ को लेकर के, कोरोना को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष जो है आवाज़ उठाएगी। मुख्यमंत्री जी की चालाकी देखिए, मुख्यमंत्री जी की ये चालाकी है कि वो जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न ज़्यादा आएगा, आपदा विभाग का ज़्यादा प्रश्न आएगा, इस वजह से उन्होंने इस बार मानसून सत्र में स्वास्थ्य विभाग को और आपदा विभाग को हटा दिया है। यानी उनसे जुड़े कोई भी सवालात जो होंगे विधानसभा में नहीं लिए जाएंगे। यानी जो तारांकित प्रश्न होता है, जो अल्पसूचित प्रश्न होता है, हम सरकार से विपक्ष के लोग नहीं पूछ सकते कि भाई बाढ़ को लेकर के क्या इंतज़ाम है, क्या तैयारी है, या आपका कोविड-19 से आप कैसे लड़ रहे हैं, क्या आपका प्लान है,
जो शिकायतें हम लोगों को मिल रही है, जनता की बात है, वो हम नहीं रख सकते। ये तरीका नीतीश कुमार जी का, और कहते हैं कि वो विकास करते हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है, अपना मुंह चमकाने में लगे हुए हैं, कोई काम कहीं नहीं हो रहा। इसलिए आप सब लोगों को, मेरे को लगा कि ज़रूरी है इन सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराना। और तीसरी बात, कि अभी सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो केवल बिहार के ही यूथ आइकन नहीं बल्कि देश के यूथ आइकन थे, और हम लोग सब लोग जिस प्रकार से उनकी आपातकाल मृत्यु हुई, इसको लेकर के हम लोगों की संवेदनाएं हैं, दुख है। और किसी को ये बात हजम नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले CBI इंक्वायरी की मांग की थी। हम खुद स्वयं उनके पिताजी, उनकी बहन से भी मिलने गए थे, और हमने पूरा उनको कहा था कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी लगे तो हम लोग आपके साथ हैं, अगर आप CBI इंक्वायरी चाहें या कोई भी इंक्वायरी अगर आप मांगेंगे तो हमारा पार्टी जो है हम आपको साथ देंगे, आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे साफ रूप में। लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं। दुख की बात यह है कि हमने एक पत्र भी मुख्यमंत्री जी को लिखा था, कि उस पत्र में साफ तौर पर था कि जो राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का इतने दिन हो गए, अब तक उस पत्र का जवाब नहीं आया। और मैं केवल जानना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं या नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे राजगीर वाला फिल्म सिटी बने या ना बने, राजगीर में जो बन रहा है फिल्म सिटी, क्या नाम जो है राजगीर फिल्म सिटी का सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे वो करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ। और बेहद दुख की बात है कि सुशांत सिंह ने बिहार का नाम, राजपूत जो है उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, उन्होंने अब तक उनके परिवार से मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात नहीं की। ये बेहद दिखाता है कि इंसानियत और मानवता की क्या उनके लिए वैल्यू हैं। तो साफ तौर पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, हाँ हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही CBI इंक्वायरी की मांग कर रखी है। पता होगा शेखर सुमन भी आए थे, उनके साथ भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ हम लोगों ने इस बात को रखा था, और चाहेंगे कि निष्पक्ष जाँच हो, और ताकि कई उनके जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो लोग लगातार जो हैं दुखी हैं, इतने दिन हो गए अब तक जांच का पता नहीं चल रहा कौन इसका जिम्मेदार है नहीं है। तो जल्द से जल्द जो है निष्पक्ष जांच हो, CBI जांच हो, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, और जो दोषी है उनको जो है सबक मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम सोचें ये सारी बातें जो हैं आप लोगों से मैं साझा करूँगा। आप सब लोग जो हैं बड़ी संख्या में फेसबुक लाइव में अभी जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस निकम्मी और सरकार को जगाने के लिए आप लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते रहिएगा। जय हिंद, जय बिहार।